हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में तथा इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सभी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। देखिए, भारत के वायसराय के रूप में सबसे पहले इनके कार्यकाल को देखते हैं कि इनका कार्यकाल क्या था। तो याद रखना कि जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये भारत में 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके कार्यकाल अवश्य याद रखिएगा प्रत्येक गवर्नर जनरल एवं वायसराय का। एवं दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि हमने इनसे पहले भी, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि बस हम 1916 की चैप्टर पर चल रहे हैं कि 1916 से पहले जितने भी गवर्नर जनरल एवं वायसराय रहे हैं उन पर हमने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना दी है। आप हमारे चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाकर इससे पिछले की वीडियोज देख सकते हैं और इससे आगे की पढ़ाएंगे। हम कंप्लीट गवर्नर जनरल एवं वायसराय को पढ़ा रहे हैं, वो भी कंप्लीट डिटेल से संपूर्ण पॉइंटों के साथ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमीशन्ड पदों के लिए सक्षम माना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारतीयों को सबसे पहली बार जो कमीशन्ड पद होते थे उनके लिए सक्षम कब से माना जाने लगा। तो याद रखना है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय से माना जाने लगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखनी है। 1919 के अधिनियम के तहत ये हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे अपना कि किस वायसराय के कार्यकाल में एक भारतीय व्यक्ति सर एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। तो याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये हुआ था। सबसे पहले प्रथम भारतीय सर एस सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है जो बिहार के गवर्नर बने थे, यानी कमीशन पद पर नियुक्त हुए थे। सर एसपी सिन्हा क्या है, किसी ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ये बात भी याद रखना है, किसी भी ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सर एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले ये दूसरे भारतीय थे। अगर हम बात करें कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के प्रथम सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वायसराय के कार्यकाल में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यानी जिसको हम भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं, पारित हुआ था। तो याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में यह अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू उस समय भारत के क्या थे, सचिव थे, ये बात याद रखना है। तो मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय। इस प्रकार इनके द्वारा जो पारित किया गया अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1919 को इनके दोनों के द्वारा ही पारित किया गया था, दोनों के द्वारा बनाया गया था। इस वजह से इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में क्या हुआ था कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी, उत्तरदायी शासन का शब्द का जो स्पष्ट प्रयोग किया गया था, उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। कई बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम में उत्तरदायी शासन की मांग सर्वप्रथम उल्लेखित है, तो याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगला क्वेश्चन है कि इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। इसके अलावा महिलाओं को भी मताधिकार का भी इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि महिलाओं को पहली बार मत के अधिकार का प्रयोग कब से देना प्रारंभ किया गया था, तो याद रखना 1919 के अधिनियम के तहत सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया था और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी अपनाई गई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना की गई। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग, एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया था, ये बात याद रखनी है आपको। ये थे दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान थे। सभी प्रावधान एग्जाम में आते हैं, सभी प्रावधान वाले पॉइंटों को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि किस वायसराय के काल में रॉलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉलेक्ट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था, तो याद रखना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में भारत में रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। इस अधिनियम को 18 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेट की नेतृत्व में बनी सेडिसन समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। तो ये बात याद रखना है, 18 मार्च 1919 को ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और किसके नेतृत्व में बनी समिति, सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में बनी सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर इसको प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, तो कि इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके विरुद्ध एक गुप्त अदालत में कार्रवाई कर अधिकतम 2 वर्षों के लिए कैद की सजा सुनाई जा सकती थी। ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा था, तो याद रखना महात्मा गांधी ने। क्यों कहा था, क्योंकि इसके जो भी व्यक्ति होता था इसको ये मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार करते, गुप्त अदालत में कार्रवाई करके उसको 2 वर्ष की सजा सुना देते थे। वो ना तो वकील होता था उसका, ना ही कोई अपील कर पाता था, ना ही कोई दलील दे पाता था, इसलिए इसको हम उनको बिना अपील का, बिना वकील का, बिना दलील का कानून कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी, तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, बैसाखी का दिन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंजाब के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की ये बात है। और याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 का दिन इतिहास में बहुत ही अपने आप में महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी ने भीवत्स हत्याकांड की संज्ञा किसे दी थी, तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड को दी थी। अगर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित वीडियोस देखनी है तो आप हमको, हम आपको बता दें कि हमने पहले ही ऑलरेडी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित संपूर्ण फैक्ट्स पर कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस घटना को लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था, तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर एवं नाइटहुड की उपाधि, इंपॉर्टेंट है कि सर एवं नाइटहुड की जो उपाधि है वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी, तो याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। देखिए क्या होता है कि इस समय पंजाब में क्या होते हैं, पंजाब की जो सैफुद्दीन किचलू और सहित दो और इम्पोर्टेंट मतलब पंजाब के जो नेता थे, राजनेता थे, लोकप्रिय नेता भी कह सकते हैं, क्रांतिकारी नेता भी कह सकते हैं, उनको क्या है कि अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूं कि 2 नेता हैं जिनके नाम हैं सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लोकप्रिय को नेताओं को रॉलेक्ट एक्ट के अधिनियम के तहत क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों पंजाब के नेता होते हैं। इसके विरोध में क्या होता है कि पंजाब के लोगों के द्वारा जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में अवस्थित है पंजाब के, अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए और इसके विरोध में सभा करने लगे। और उसी समय क्या होता है कि पंजाब के जो गवर्नर जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं पंजाब के, उनका नाम होता है माइकल ओ डायर, और सैन्य गवर्नर होते हैं वहाँ के माइकल आर डायर, ठीक है, रेजिनाल्ड हैरी डायर वहाँ के सैन्य गवर्नर जनरल होते हैं। जो आर डायर थे उन्होंने क्या किया कि सभा पर बिना पूर्व सूचना दिए अंधाधुंध गोलियां चलवाई, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस वजह से इस घटना में क्या हुआ, भीषण नरसंहार हुआ, भीषण हत्याकांड हुआ। इस वजह से इस घटना को महात्मा गांधी ने भीवत्स हत्याकांड कहा। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने इसको निवारक हत्या के नाम से दिया कि इसके वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश शासन को मजबूती मिली, निवारक है कि ब्रिटिश शासन के लिए तो ये दवाई का काम किया इस घटना ने। तो ऐसे कुछ कुछ कार्य किए गए। अब इसके विरोध में भारतीयों में बहुत ज़्यादा रोष था, तो उसी रोष को चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर एवं नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। इसके अलावा क्या होता है कि महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की, जवाहरलाल बजाज ने बहादुर की उपाधि। इसके अलावा इसके विरोध में क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो इसका सही आंसर है शंकरन नायर ने।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है हंटर समिति का गठन किया था। 7 सदस्यीय समिति थी, इसमें 3 भारतीय भी शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस कमेटी का गठन किया था? तो याद रखना है तहकीकात कमेटी का गठन किया था कांग्रेस ने, जिसको मालवीय समिति भी कहते हैं, क्योंकि ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गठित की गई थी और महात्मा गांधी भी इस कमेटी के क्या थे? सदस्य थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की अन्य प्रमुख घटनाएं देख लीजिए कि इनके शासनकाल में और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। पहली घटना देख लेते हैं कि 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। पहले होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, और दूसरा जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना की थी श्रीमती एनी विसेंट ने सितंबर 1916 में। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट में क्या होता है कि 1916 में पूना में धोधो केशव कर्वे यानी डीके कर्वे, इनको शॉर्ट रूप में बोलते हैं, तो धोधो केशव कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पूना में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने पूना में महिला 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो याद रखना है डीके कर्वे ने। नेक्स्ट लाया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए वर्ष 1917 ईस्वी में सेडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो याद रखना जो सेडलर आयोग है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए गठित किया गया था और ये एजुकेशन से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए कि 1918 ईस्वी में एस एन बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ये थे दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।